हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी हमारी स्नेपड में। दोस्तों, यदि आप एक स्टूडेंट हो, भले ही आप हाई स्कूल में हो, भले आप इंटरमीडिएट कर रहे हो, भले ही आप आईटीआई कर रहे हो, भले ही आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो, भले ही आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, भैया यदि आप एक स्टूडेंट हो तो आपको इस वीडियो को जरूर जरूर देखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ स्कॉलरशिप के बारे में। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे 2021-22 की जो स्कॉलरशिप है वो आना स्टार्ट हो गई है, और आपके ही काफी सारे दोस्त होंगे, आपके आप जानने वाले होंगे जिनकी जो स्कॉलरशिप है वो आने भी लग गई है। लेकिन आप में से ही कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई है। तो दोस्तों, आखिर आप लोगों की स्कॉलरशिप क्यों नहीं आ रही है? जब आप लोग भैया स्टेटस चेक करते होंगे तो वहां पे तरह तरह की यूआईडी वगैरह या बहुत सारे स्टेटस वहां पे शो करता है। तो दोस्तों, इन सारी समस्याओं का बस एक ही इलाज है। वो कौन सा इलाज है, और उसी के बारे में आप लोग बताने वाला हूँ। तो यदि आप उसको करोगे तो उसके 24 घंटे के ही बाद ही आपकी समस्या का निदान होगा, आपकी समस्या को सुना जाएगा, उसको देखा जाएगा क्या एक्चुअल में सच में ये समस्या है या नहीं है। उसके बाद भैया आपकी समस्या को इन प्रोग्रेस किया जाएगा। 1 हफ्ते का टाइम इसमें लगता है। उसके बाद भैया आपकी जो स्कॉलरशिप पूरी की पूरी आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को चलना होगा मोबाइल स्क्रीन पर, वहां पे दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा समाज कल्याण विभाग के बारे में। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे आपके जितने भी ये पैसे वगैरह आते हैं स्कॉलरशिप के, ये समाज कल्याण विभाग से तात्पर्य रखते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आप लोगों को समाज कल्याण विभाग से ही बात करना होगा, कैसे करना होगा, किस तरीके से करना होगा और क्या क्या कहना होगा। इन सारी समस्याओं को भैया मैं आप लोगों को बताऊंगा, इन सारी बातों को आप लोगों को बताऊंगा, जिससे भैया आप लोग अपनी समस्या रख सको समाज कल्याण के सामने, और आपकी बात को समझें, और आपकी सारी की सारी स्कॉलरशिप का आपको ट्रांसफर की जा सके। तो दोस्तों, देरी नहीं करते हैं, चले चलते मोबाइल स्क्रीन पर, आपको पूरा भैया प्रोसेस समझाते हैं कैसे आप लोग भैया अपनी स्कॉलरशिप पा सकते हो, वो भी समाज कल्याण विभाग को एक पत्र लिख करके या अपनी बात उनसे करके। चले चलते मोबाइल स्क्रीन पर। जैसे कि हम आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन पर, और मोबाइल स्क्रीन पर हमने सबसे पहले ओपन कर लिया प्ले स्टोर एप्लीकेशन को। यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले सर्च करना होगा भाई जनसुनवाई ऐप। जैसे आप लोग जनसुनवाई ऐप सर्च करोगे तो एक ऐसा ये ऐप आप लोगों के सामने फ्रेंड्स आ जाएगा। ये जैसे कि मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा, तो चलिए मैं इसे ओपन करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे आप लोग अपनी कंप्लेंट को यहाँ पे अप्लाई करोगे। जैसे मैंने इसे ओपन किया फ्रेंड्स, तो देखिए ऐसे इंटरफेस आप लोगों के सामने सबसे पहले आएगा। आप लोग इसे सबसे पहले लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के लिए, साइनअप करने के लिए आप लोगों को अपना मेल डालना होगा। जीमेल डालने के बाद देन उसके बाद आप लोग नंबर डालोगे, नंबर पे ओटीपी गिरेगी। एक ओटीपी को यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर दोगे, आप लोगों के सामने फिर एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आप लोगों के यहाँ पे लिख के शो हो रहा होगा वेलकम टू जो भी आप लोगों का नाम होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे लिख के शो हो रहा होगा। तो आप लोग सिंपल से इसे देख लें, जब ऐसा इंटरफेस आ जाएगा तभी आप लोग कंप्लेन कर सकते हो। उसके बाद देन आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये शो कर रहा है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये वहाँ पे शो कर रहा है फ्रेंड्स रजिस्टर्स ग्रीवेंस। रजिस्टर ग्रीवेंस में आप लोगों को सिंपल से टच करना होगा। जैसे मैंने इसे टच किया दोस्तों, अब ऐसा इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो अब आप लोगों को मैं यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए आप लोगों को सिंपल सा क्या करना होगा, कंप्लेन। तो आप लोग कंप्लेन करने के लिए यहाँ कंप्लेन पे पहले से चूज है, तो कंप्लेन रहने देंगे। यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ सबसे पहले आप लोगों का नाम यहाँ पे दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों का नाम पहले से यहाँ अप्लाई होगा, देन उसके बाद आप लोगों का फादर्स नेम यहाँ अप्लाई होगा। आप लोग यहाँ से फ्रेंड्स अपना जेंडर चूज कर, यहाँ पर आप लोगों का मोबाइल नंबर पड़ा होगा, आप लोग यहाँ पर अपना दूसरा नंबर डाल दीजिएगा। यहाँ पर आप लोग फ्रेंड्स क्या करना होगा, सबसे पहले आप लोग अपना जेंडर चूज कर, जैसे मेल फीमेल जो भी यहाँ पे चूज कर लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आप लोग दूसरा नंबर अपना अप्लाई कर देंगे फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को जो भी दूसरा नंबर हो यहाँ पर अप्लाई कर देना। देन उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना होगा, मैं बताता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोगों को अपना आधार नंबर यहाँ पे अप्लाई करना होगा। फ्रेंड्स अब आप लोगों के सामने एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जब आप लोग अपना आधार नंबर सब कुछ दे दोगे और नेक्स्ट करोगे तो फ्रेंड्स आप लोगों के सामने ऐसा इंटरफेस आया। अब मेन पूरा पेज यही है फ्रेंड्स, इसे आप लोगों ने समझ लिया तो आप लोगों की कंप्लेंट 101% एकदम सही हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे शो कर रहा है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एप्लीकेशन डिटेल आप लोगों को देना होगा फ्रेंड्स। तो उसके बाद यहाँ सबसे पहले क्या भरना होगा, आप लोगों को डिपार्टमेंट अपना भरना होगा, उसके बाद कैटेगरी भरनी होगी फ्रेंड्स। उसके बाद भैया आप लोगों को यदि पहले कोई कंप्लेंट किया तो कंप्लेंट नंबर यहाँ पे डाल देना होगा। देन उसके बाद यहाँ पे भैया आप लोगों को एक एप्लीकेशन लिख देना होगी, आप को क्या प्रॉब्लम है। जब इतना करते होगे तो भैया आप लोगों का अगला नेक्स्ट पेज में जाना होगा, मैं आप लोगों को सब करके दिखाता हूं। देखिए यहां पे आप लोगों को ध्यान देना हो, यहां पे लिखा है डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में आपको जाना होगा। दोस्तों अब ऐसा इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाना होगा। तो आप लोगों को कहाँ कंप्लेन करना, मैं आप जो भी आप लोगों को कंप्लेन हुआ का, लेकिन आप लोग स्कॉलरशिप के लिए कंप्लेन कर रहे हैं तो आप लोग सिंपल से यहाँ धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करोगे, धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करोगे तो मैं आप लोग बताता हूँ क्या करना होगा। देखिए यहाँ पे आने के बाद आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग,
आप लोग यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हो लिखा हुआ है पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग। इसका मतलब मैं आप लोग बताता हूँ, इसका मतलब है बैकवर्ड। जो लोग बैकवर्ड से हैं वो लोग इस पे कंप्लेन करेंगे, और जो लोग भैया बैकवर्ड से नहीं है उनको मैं बताता हूँ, जो लोग एससी एसटी से हैं वो लोग कहाँ कंप्लेन करके। देखो मैं बताता हूँ आपको, एससी एसटी माइनॉरिटी जो लोग या जनरल से बिलोंग करते हैं उनको कहाँ कंप्लेन करना है, वहाँ आप उनको करना है भैया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो समाज कल्याण विभाग यहाँ पे शो हो रहा है, तो आप लोगों को यहाँ समाज कल्याण विभाग वाले में आप लोगों को अपनी कंप्लेन दर्ज करनी होगी। तो जैसे मैं इसे टच करता हूँ उसके बाद दिखाता हूँ यहाँ पे, अब आप लोगों से मांग रहा है कैटेगरी, तो कैटेगरी में आप लोगों को दिखाता हूँ क्या चूज करना है। दोस्तों एक ऐसा आप लोगों की इंटरफेस सामने आ जाएगा, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आप लोग कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ फ्रेंड्स, जो भी आप लोग कैटेगरी हो उस पर आप लोगों को यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए आप लोगों को करना होगा शिकायत। तो देखिए जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ दो ही ऐसे कॉलम है जिनको आप लोगों को चूज करना चाहिए। एक फ्रेंड्स है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो शुल्क प्रतिपूर्ति शिकायत, और एक यहाँ पे दे रखा है अनुसूचित जाति जनजाति अथवा सामान्य छात्रवृत्ति की मांग के विषय में, तो आप लोग इसको भी चूज कर सकते हो। इन दो में से मैं तो कहूंगा आप लोगों के अनुसूचित जाति जनजाति वाला को टच करना होगा। देन उसके बाद यदि कोई आप लोगों ने कंप्लेन किया है फ्रेंड्स पहले, उसके यदि कोई रेफरेंस नंबर है तो आप लोग यहां दोनों में डाल सकते हो, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं आप लोगों को नीचे आना होगा। और फ्रेंड्स यहां पे दे रखा है आप लोगों को एक काइंडली राइट कंप्लीट डिटेल योर कंप्लेन, मतलब जो लोग जो आप लोगों की कंप्लेन है यहां पे पूरा एप्लीकेशन के रूप में तो लिख दीजिए। तो मैं आप लोगों को बताता हूं यहां क्या लिखना होगा। तो फिर जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि सर मेरा नाम ये है, मैंने 2020 इक्कीस में अप्लीकेशन स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरा था, अभी तक मेरी स्कॉलरशिप नहीं आई है। अब मैं यहाँ नेक्स्ट करता हूँ, जैसे मैंने नेक्स्ट किया देन अब इसको आप लोगों को समझना बहुत जरूरी, ये पेज भी काफ़ी ज़्यादा पेचीदा है। तो देख ली यदि आप देहात एरिया से बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स, यदि आप लोग देहात एरिया से बिलोंग करते हैं आप लोगों को कॉलेज देहात एरिया से, तो ये आप लोगों के यहाँ से रूलर ही रखने देना है। यदि आप लोग शहरी एरिया से बिलोंग करते हो तो आप लोगों के यहाँ अर्बन पे करना। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैं यहाँ शहरी एरिया से बिलोंग करता हूँ तो मैं अर्बन पे टच कर लेता हूँ, उसके बाद क्या आप लोगों का लगता है म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन या म्यूनसिपलिटी या यहाँ पे लगता है नगर पंचायत, तो मेरा लगता है नगर पंचायत, तो मैं नगर पंचायत चूज करता हूँ। उसके बाद आप लोगों को अपनी यहाँ डिस्ट्रिक्ट चूज करनी होगी, तो डिस्ट्रिक्ट चूज करता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे मेरे डिस्ट्रिक्ट है फतेहपुर, तो मैं यहाँ पे फतेहपुर ही चूज करता हूँ। देखिए मैंने फतेहपुर चूज किया। उसके बाद आप लोग तहसील जो हो आप लोग यहाँ पे अपना तहसील चूज कर लीजिएगा, जो मेरी तहसील में चूज कर लिए। उसके बाद आप लोग अपना थाना चूज करना होगा, थाना यहाँ पे जो आप लोग चूज कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग अपना एरिया चूज कर लीजिए, किस टाउन से हो बिलोंग करते हैं आप लोग, तो जो आप लोग का टाउन हो या जो आप लोग का एरिया उसे चूज कर लोगे। उसके बाद भैया यहाँ पे ये सिलेक्ट वर्ड वाले ऑप्शन पर कुछ नहीं भरा जाएगा, और भैया यहाँ पे अब ये बोल रहा है आवेदनकर्ता का पता, तो आप लोग यहाँ ध्यान रखना है। आप लोग देख लीजिए यहाँ पर लिखा सम एज एबव, तो आप लोगों को इसे टच कर लेना है, यहाँ ऊपर जितना आप लोगों ने एड्रेस दिया यहाँ पे फिल हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ इस समाज में कर दिया, तो यहाँ पे लिख दिया मेरा पूरा एड्रेस आ चुका है। तो आप सिंपल सफ्रेंड मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे कर देना होगा नेक्स्ट, तो मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। जैसे इसे नेक्स्ट किया तो ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आप मेरी पूरी कंप्लेन दर्ज हो चुकी है। यहाँ पे ये बोल रहा है, इसका मतलब आप लोग ध्यान से समझना है कि यदि आप लोगों के पास कोई पीडीएफ, कोई डॉक्यूमेंट्स है, कोई स्क्रीनशॉट है, कोई फोटो है जिसपे आप लोगों का स्कॉलरशिप की कुछ प्रॉब्लम है, तो उसे आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। मेरे पास कुछ भी नहीं है, यदि आप लोगों के पास कुछ है तो आप लोग यहाँ से कैमरा का ऑप्शन दे रखा है फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कैमरा दे रखा है, गैलरी देखा, पीडीएफ यहाँ पे आप लोग अपलोड कर दोगे, अन्यथा आप लोग भैया अपनी कंप्लेन को यहाँ से कर दोगे सबमिट, सेव कर दोगे। सेव करने के बाद आप लोग कंप्लेन हो जाएगी। अब आप लोगों के पास एक मैसेज गिरा, कैसा मैसेज गिरा मैं आप लोग दिखाता हूँ। चलिए फ्रेंड्स ऐसा आप लोग सामने एक इंटरफेस आएगा, एक ऐसा आप लोगों को मैसेज आएगा आपके फ़ोन में, तो आप लोगों को यह मैसेज काफ़ी ध्यान से समझना होगा। यहाँ पे आप लोग बोला गया महोदया महोदया आप लोगों ने ऑनलाइन आवेदन पत्र को समाज कल्याण विभाग को संबोधित किया है, तो पोर्टल पर दर्ज हो गया है जिसका पंजीकरण क्रमांक कितना है, अधिक जानकारी के लिए जनसुनवाई पोर्टल या मोबाइल ऐप पर देखें। अब आप लोगों को मैं बताता हूँ आप लोग अपनी कंप्लेन को कैसे ट्रैक करोगे, तो आप लोग को फिर से आ जाना होगा फ्रेंड्स अपने जनसुनवाई ऐप पर। फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लिखा है ट्रैक ग्रीवेंस, आप लोग ट्रैक ग्रीवेंस वाले ऑप्शन पे सिंपल सा टच करोगे, जो आप लोगों की कंप्लेन होगी, यहाँ जनसुनवाई कंप्लेन किया था, यहाँ आप लोग ट्रैक ग्रीवेंस या ट्रैक कंप्लेंट पे आप लोग सिंपल सा आप लोग भैया करोगे टच, देन उसके बाद आप लोगों की पूरी कंप्लेंट जो भी होगी यहाँ पे उसका स्टेटस दिखा